नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि नित्य पूजा के क्या नियम होते हैं। जैसे कि नित्य प्रतिदिन हम सभी पूजा करते हैं, चाहे आप विधिवत करते हो या फिर सूक्ष्म विधि से करते हैं, लेकिन पूजा सभी करते हैं और करना भी चाहिए। सुबह की पूजा होती है और संध्या के समय भी पूजा करते हैं। तो उन पूजा करते समय हमें किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमारा पूजा का जो प्रतिफल हो वह हमें मिल सके और हमारी पूजा सफल हो सके। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें, उसके बाद जब बेल आएगी तो बेल को प्रेस करना बहुत आवश्यक है, जिससे आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलने लगेगी। तो दोस्तों, हमारे ऋषि मुनियों ने हम मनुष्यों को बहुत सारे ज्ञान दिए हैं और उन ज्ञान में बहुत सारे नियम भी बताए हैं। यदि हम नियमानुसार कोई कार्य करते हैं तो वह हमारा कार्य जल्द सफल होता है और हमारा समय भी बहुत कम लगता है। तो इसलिए नियमों का पालन करना अति आवश्यक बताया गया है। तो वो क्या नियम है, वही हम इस वीडियो में जानेंगे। पूजा करने के लिए सबसे बड़ी बात तो होती है कि आपकी आस्था और भावना। आपको भगवान में, ईश्वर में यदि आस्था नहीं है, उनसे प्रेम नहीं है, तब आप पूजा करने का कोई अर्थ नहीं होता है। भगवान में आस्था और प्रेम रखते हुए, नियमों का पालन करते हुए यदि हम पूजा करते हैं तो हमारी पूजा बहुत ही सुखद होती है, हमारे लिए भी और हमारे परिवार के लिए भी। पूजा का सबसे पहला नियम है कि आपको स्नान करने के बाद ही पूजा करना चाहिए। यदि आपकी शारीरिक अवस्था यानी कि आप बीमार हैं, किसी बीमारी से ग्रसित हैं, तो ऐसे समय में आपको अपने शरीर को स्वच्छ कर लेना चाहिए, यानी हाथ पैर धो के आप स्वच्छ कपड़े पहने और आचमन करने के बाद पूजा करना शुरू कर सकते हैं। पूजा करते समय एक दूसरी प्रमुख बात है कि हमें आसन का प्रयोग करना चाहिए। बिना आसन के यदि आप पूजा करते हैं तब आपकी पूजा निरर्थक जाती है, क्योंकि वह पूजा वो पृथ्वी ले जाती है, यानी कि पृथ्वी के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, पृथ्वी के गर्भ से बहुत सारी चीजें उत्पन्न होती हैं, जो हम मनुष्यों के भरण पोषण के लिए अति आवश्यक भी होता है। तो पृथ्वी के अंदर बहुत सारी ऊर्जाएं होती हैं जो हमारी पूजा को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती हैं। इसलिए बिना आसन के आपको कभी भी पूजा नहीं करना चाहिए, चाहे आप सूक्ष्म पूजा कर रहे हैं या फिर विस्तार पूर्वक कर रहे हैं। और अपना स्वयं का एक आसन भी होना चाहिए, जैसे कि हमारा अपना स्वयं का वस्त्र होता है, हमारी पसंद की चीजें होती हैं, उसी तरीके से आपको पूजा में अपने लिए आसन और अपना एक माला रखना चाहिए। तो उसी से आप इस्तेमाल करें। जब भी आप पूजा करें तो आसन पहले आप बिछाएं और उसके बाद पूजा करने के बाद आपको अपना आसन यथा स्थान पे रखते जाना है। तो ये विशेष बातें होती हैं जो बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं और किसी और का आसन भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं, ये गलत होता है। और पूजा में आपको शुद्धता का ध्यान देना चाहिए। सभी चीजें हमारी शुद्ध होनी चाहिए, बाहरी रूप से भी, और आप उन्हें पवित्रीकरण करके भी शुद्ध करें। तीसरी चीज होती है कि पूजा हमें एक निश्चित समय पर करना चाहिए और निश्चित स्थान पर। जैसे पूजा ईशान कोण में करना बहुत ही फलदायी होता है। यदि आप ईशान कोण में यानी कि उत्तर और पूर्व के कॉर्नर पर अपना पूजा का मंदिर बनाया है या फिर आप प्रतिदिन वहां बैठकर पूजा करते हैं तो ये बहुत ही शुभकारी होता है। ऐसे पूजा स्थान से आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन यानी कि आपको सकारात्मक ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं। यदि आपको ईशान कोण में पूजा करने की व्यवस्था नहीं है तो आप पूर्व मुख होकर पूजा करें या फिर उत्तर मुखी होकर पूजा कर सकते हैं। लेकिन जहां भी आप पूजा करें, प्रतिदिन नियत समय पर आपको पूजा करना है। यानी जैसे आपने सुबह में 7 बजे या 6 बजे पूजा करना प्रारंभ किया है तो दूसरे दिन आपको उसी निश्चित समय पर पूजा करना चाहिए। दोस्तों, पूजा करते समय हमें हमेशा हल्के रंगों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि आप क्रीम कलर का वस्त्र धारण कर सकते हैं या फिर आप व्हाइट कलर का भी वस्त्र पहन सकते हैं या फिर आप हल्के गुलाबी यानी कि हल्के रंगों का प्रयोग करेंगे, ऐसा वस्त्र आप पहनेंगे तो उससे हमारी जो पूजा की ऊर्जा होती है वह हम तक जल्दी पहुंचती है। और काले और नीले रंगों के वस्त्र पहनकर आप कदापि पूजा ना करें,
इस बात का हमेशा ध्यान रखा करें। और माता लक्ष्मी के पूजन में ज्यादातर आप गुलाबी रंग के वस्त्र, पीले रंग के वस्त्र अथवा लाल रंग के वस्त्र धारण करके पूजा करें। तो दोस्तों, ये तो पूजा करते समय हम क्या क्या करें पूजा करने से पहले, और अब हम पूजा कैसे शुरू करें, तो उनमें क्या क्या हमें ध्यान देना चाहिए। पूजा में आपको 5 चीजें जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए, इसके बिना आपकी पूजा पूर्ण नहीं होती है। जैसे जल, अग्नि यानी कि दीपक का प्रयोग, भोग, भोग के बिना आपका पूजा सफल नहीं होगा, पुष्प या अक्षत दोनों में से एक भी ले सकते हैं, और गंध यानी कि चंदन। ये 5 चीजों को मिला के आप अपनी पूजा कर सकते हैं। तो एक बार फिर आप नोट कर लें कि क्या क्या हमें आवश्यक होती है, जल, दीपक, भोग, गंध और अक्षत या पुष्प। यदि आप इन 5 चीजों के साथ पूजा करते हैं तो इसे ही पंचोपचार द्वारा पूजा कहा जाता है। और पूजा हमें कैसे शुरू करनी चाहिए, जैसे कि आपने दीपक जला लिया, उसके बाद आप अपने इष्ट भगवान यानी कि यदि आपने गुरु मंत्र लिया है तो आप अपने गुरु का स्मरण करते हुए पूजा शुरू करें। यदि आपने गुरु मंत्र नहीं लिया है तब आप अपने इष्ट भगवान का ध्यान करें, यानी कि जो आपके कुल देवता हो या आपके जो कोई इष्ट यानी कि जिनसे आपको ज्यादा आस्था हो उनका आप स्मरण कर सकते हैं, अथवा भगवान विष्णु का भी स्मरण कर सकते हैं। उनका ध्यान यानी कि उनकी आज्ञा लेते हुए आप अपनी पूजा शुरू करें। और पूजा में सर्वप्रथम भगवान गणपति का पूजन करना चाहिए, ये आप सबको ही पता है, तो इसलिए भगवान गणपति के पूजन से आप अपनी पूजा आराधना शुरू कर सकते हैं। पूजा संपन्न होने के बाद हमें कौन सी आरती करनी चाहिए प्रतिदिन, तो प्रतिदिन आपको भगवान विष्णु की आरती करनी चाहिए, क्योंकि विष्णु देवता जो हैं वो सर्वोपरि हैं, सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं, भगवान विष्णु मोक्ष के दाता हैं, इसलिए भगवान विष्णु की आरती करना अति आवश्यक माना जाता है। तो आप भगवान विष्णु की जो सर्वविदित आरती है, ओम जय जगदीश हरे, वह आरती आप करें। और आरती के बाद आपको क्षमा अवश्य मांगनी चाहिए। आप 2 मिनट के लिए भी भगवान की शरण में यदि आप जाते हैं तो क्षमा मांगना चाहिए, क्योंकि हमसे कुछ भी अधिक या कम हो जाता है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हमेशा बने रहना चाहिए। इससे हमारी पूजा संपूर्ण मानी जाती है। तो इस प्रकार इस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए यदि हम पूजा अपनी आरंभ करते हैं तो हमारी पूजा सफल मानी जाती है और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और दोस्तों, आप कोई भी पूजा पाठ कुछ भी करते हैं तो अपने बच्चों को, जो आपके छोटे बच्चे हैं, उन्हें अवश्य अपने साथ बिठा लें, जिससे उन्हें भी इन सभी चीजों का ज्ञान हो सके और आगे बड़े होकर वो इन सब चीजों का पालन कर सके। तो ये थी हमारी जानकारी कि नित्य प्रतिदिन पूजा करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू।